हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू बायोलॉजी बूस्टर यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे। और दोस्तों, ये वीडियो ट्वेल्थ स्टूडेंट्स के लिए है और ट्वेल्थ बायोलॉजी में हम लोग चैप्टर 3 दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये 15वां वीडियो है मेरा तीसरे चैप्टर पे ह्यूमन रिप्रोडक्शन पे, और ये 15वां और आखिरी वीडियो है इस पे, ठीक है। इस वीडियो में मैं इस चैप्टर को फिनिश कर दूंगा और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में जो चीज़ें हैं, मतलब उनको देखेंगे या उनको समझेंगे, ठीक है, क्लियर ये बात। तो इस वीडियो में पहले तो मैं बताता हूँ कि पिछले वीडियो में मैंने क्या बताया था। पिछले वीडियो में हमने समझाया है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को और उसके बाद जो भी डेवलपमेंट हो रहे थे, ठीक है, यानी कि जो आपका पूरा अलग अलग फेजेस थे, मतलब क्या हार्मोनल चेंजेस क्या हो रहे थे, ये सारी बातें हमने डिटेल में समझी थी, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, इस वीडियो में हम एम्ब्रियो डेवलपमेंट पढ़ेंगे, इसके अलावा हम पढ़ेंगे आपका जो प्लेसेंटा का क्या रोल रहता है, लैक्टेशन क्या होता है, ठीक है, इन सारी चीज़ों को हम कंप्लीट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, टाइम को खराब ना करते हुए इसे शुरू किया जाए, ठीक है। तो देखिए, एम्ब्रियो डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूँ, एम्ब्रियो क्या होता है आपको पता है, ट्रोपोब्लास्ट जो होता है जब पूरा डेवलप्ड जाता है, वो पिछले क्लास में मैंने बताया था इम्प्लांटेशन में कि वो एम्बेडेड हो जाता है आपके एंडोमेट्रियम से और वो डेवलपमेंट स्टार्ट करता है एम्ब्रियो की, ठीक है। तो एम्ब्रियो एक्चुअल में होता है क्या है, देखिए, द सेल्स ऑफ द ट्रोपोब्लास्ट, ट्रोपोब्लास्ट आपको पता है, ठीक है, जो ब्लास्टोमियर होता है, ब्लास्टोसिस्ट होता है, उसके बाहर जो लेयर होती है वो ट्रोपोब्लास्ट कहलाता है, ठीक है। डिफरेंशिएट इनटू एन इनर लेयर एंड आउटर लेयर, अब जो ट्रोपोब्लास्ट की लेयर होती है, द सेल्स ऑफ द ट्रोपोब्लास्ट, वो डिफरेंशिएट होता है इनर एंड आउटर, ठीक है, इनर लेयर में और आउटर लेयर में डिफरेंशिएट होता है। द आउटर लेयर इज कॉल्ड क्रोनिक, द आउटर लेयर जो होती है ट्रोपोब्लास्ट की वो अब कहलाती है क्रोनिक एंड इट फॉर्म्स द क्रोनिक विलाई, ठीक है, वो क्रोनिक विलाई बनाता है। आउटर लेयर जो है ट्रोपोब्लास्ट की वो फॉर्म होती है क्रोनिक के फॉर्म में और क्रोनिक विलाई वो बनाता है एंड विच इज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दैट ग्रो इनटू द एंडोमेट्रियम, ठीक है। देखो, जो ट्रोपोब्लास्ट के आउटर लेयर है वो क्रोनिक, वो द आउटर लेयर इज कॉल्ड क्रोनिक, क्रोनिक उसको कहते हैं आउटर लेयर का, और वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इस तरीके से बनाता है जिसको क्रोनिक विलय कहा जाता है, और ये क्रोनिक विलय इस तरीके से एंडोमेट्रियम में धस जाते हैं, ठीक है, मतलब उसमें फिट हो जाते हैं बिल्कुल, यानी कि उसको अटैच करने में, ये जो आपका एम्ब्रियो है उसको अटैच करने में योगदान दे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद एन इंटीमेट रिलेशनशिप और कनेक्शन डेवलप बिटवीन द क्रॉनिक विलाई एंड द यूट्राइन टिश्यू एंड फॉर्म अ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट बिटवीन डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड मैटरनल बॉडी कॉल्ड प्लेसेंटा। देखो, सिंपल सी बात है, अब ये जो क्रॉनिक विलाई था ये इसमें धस गया एंडोमेट्रियम में, ठीक है, और जैसे ही धसा तो ये एक इंटीमेट रिलेशनशिप बनाता है, इंटीमेट रिलेशनशिप बनाता है किसके बाद में, या कनेक्शन बनाता है किसके बीच में, बिटवीन क्रॉनिक विलाई, जो क्रॉनिक विलाई है एम्ब्रियो का उसमें, और यूट्राइन टिश्यू जो रहते हैं मदर के, तो क्रॉनिक विलाई एम्ब्रियो का प्लस यूट्राइन टिश्यू मदर का, क्रॉनिक विलाई एम्ब्रियो का यूट्राइन टिश्यू मदर का, इन दोनों के बीच में कनेक्शन है, यानी कि माँ और जो फीटस डेवलप हो रहा है उसके बीच में कनेक्शन डेवलप हो रहा है, ठीक है, हाँ। एंड फॉर्म्स स्ट्रक्चरल, ये मेन बात है, देखो, एंड फॉर्म्स स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, ठीक है, बिटवीन डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड मैटरनल बॉडी कॉल्ड प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा क्या होता है, ये एक क्वेश्चन तैयार हो गया आपका, प्लेसेंटा क्या होता है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है बिटवीन मदर या मैटरनल बॉडी और बिटवीन फीटस, ठीक है। तो मैटरनल बॉडी या यूट्राइन टिश्यू जो रहता है, ठीक है, फीमेल का, और जो क्रॉनिक टिश्यू रहता है या क्रॉनिक विलाई है फीटस का, उसके बीच में जो कनेक्शन है, उनके बीच में जो स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट है उसको कहा जाता है प्लेसेंटा, इसको आप याद रखना, ठीक है। प्लेसेंटा इज फॉर्म्ड इन 8 to 9 days, प्लेसेंटा जो है जब ये पूरा प्रोसेस स्टार्ट होता है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट जब स्टार्ट होता है तो 8 से 9 दिन में प्लेसेंटा बन जाता है। आगे मैं स्ट्रक्चर भी बताऊंगा आपको कितने दिन में कौन कौन से स्ट्रक्चर बनते हैं, ठीक है। तो पहली बात यह कि 8 से 9 दिन में प्लेसेंटा डेवलप हो जाता है, ठीक है। अब दोस्तों, एक चीज आप याद रखना, कई लोग क्या होता है कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्लेसेंटा और एम्बिलिकल कॉर्ड अलग चीजें हैं। नहीं, देखो, ये जैसे मान लीजिए यहां पे समझ लेते हैं, अच्छा, ये स्ट्रक्चर है, जैसे देखो यहां पे ये जो पार्ट है आपका, ठीक है, ये है आपका क्रॉनिक विलाई, ठीक है, क्रॉनिक विलाई है, और ये पूरा जो ब्लैक पार्ट दिख रहा है ना आपको बाहर, ये ब्लैक पार्ट है प्लेसेंटा, ठीक है, और ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ग्रीन पार्ट अटैच फीटस से, ये है एम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है।
तो एम्बिलिकल कॉर्ड एक्चुअल में प्लेसेंटा जो कि कवरिंग है बाहर पूरे एम्ब्रियो की, ठीक है, उसके बीच में और एम्ब्रियो यानी कि जो फीटस आगे बनेगा उसके बीच में जो कनेक्शन है फीटस और बाहर जो प्लेसेंटा लेयर है उसके, मतलब उस प्लेसेंटा और एम्ब्रियो के बीच में जो कनेक्शन है वो होता है एम्बिलिकल कॉर्ड। तो एम्बिलिकल कॉर्ड और प्लेसेंटा एक नहीं है, कई लोग इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, क्लियर ही बात। अब मैं आपको एक स्ट्रक्चर भी बना देता हूँ, ये मतलब आना चाहिए आपको, ठीक है, क्या स्ट्रक्चर है देखते हैं। ह्यूमन एम्ब्रियो मैंने बनाया है, देखो इस तरीके से क्या रहता है, ये यूट्रस पूरा अब डेवलप हो गया है, ठीक है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल वगैरह सब स्टॉप हो चुका है, ठीक है, ओवुलेशन वगैरह कुछ नहीं होगा, अब यूट्रस जो है पूरा इस तरीके से डेवलप हो गया, एम्ब्रियो डेवलपमेंट शुरू हो चुका है, ठीक है। अब ये इस तरीके से पूरा एंडोमेट्रियम वगैरह थिक हो जाती है, पूरा इसको सपोर्ट करती है, सारी चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं। अब क्या हुआ दोस्तों, ये इस तरीके से फीटस बनता है, ठीक है, ये एम्ब्रियो डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, ये जो ग्रीन पार्ट है ये एम्बिलिकल कॉर्ड, एम्बिलिकल कॉर्ड विद इट्स वेसल्स, ठीक है, एम्बिलिकल कॉर्ड जो कि कनेक्शन है बच्चे के बीच में और प्लेसेंटा के बीच में, ठीक है, ये बाहर जो ग्रीन पार्ट पूरा, ग्रीन नहीं सॉरी, ये बाहर जो ब्लैक पार्ट आप देख रहे हैं पूरा सर्कल में, ये है आपका प्लेसेंटा, ठीक है, और ये प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं ये है प्लेसेंटल विलई जो कि अटैच करता है, ठीक है, जो कि अटैच करता है इस पूरे स्ट्रक्चर को किससे, यूट्रस से, यूट्रस में धंसा हुआ है ये एंडोमेट्रियम में धंसा हुआ है, यूट्रस का ही पार्ट एंडोमेट्रियम उसमें धंसा हुआ है, ठीक है, क्लियर है बात। यहां पे ये यॉक सैक है, ठीक है, देखो यॉक होता है जैसे आप एग देखेंगे ना तो उसमें येलो पार्ट होता है यॉक, ठीक है, तो हमें खैर उतना बड़ा यॉक तो नहीं होता है, ठीक है, अभी एलिसिथल क्या होता है, अलग अलग टाइप के यॉक की पोजिशन के हिसाब से भी एम्ब्रियो को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, ठीक है, तो उसको भी और डिटेल में थोड़ा सा देखेंगे। फिलहाल आप याद रखें कि यॉक हमें भी होता है लेकिन उतना ऐसे हैन का जो अंडा होता है, जो मुर्गी का अंडा होता है उसकी तरह हमें यॉक नहीं होता, ये बिल्कुल साइड में होता है छोटा सा यॉक सैक यहाँ पे, ठीक है। ये एम्ब्रियो है, प्लग ऑफ म्यूकस इन सर्विक्स, यहां पे प्लग बन जाता है, ये जो पूरा ब्लू मैंने बनाया ये प्लग बन जाता है ताकि जो है अगर ये प्लग नहीं बनता तो बच्चा तो नीचे गिर जाता, ठीक है, बच्चा जो है वेजाइना से एक्सक्रीट आउट हो जाता है, तो ये प्लग रहता है 9 मंथ तक ये प्लग रहेगा और ये पूरा डेवलप होता रहेगा। फिर क्या होगा, जब लेबर पेन होगा फीमेल को तो ये प्लग इस तरीके से रिमूव होता है और ये पूरा बच्चा एक साथ क्या होता है बाहर डिलीवर होता है, बच्चे का जन्म होता है, ठीक है, क्लियर है ये बात। तो दोस्तों अब हम पढ़ते हैं कि प्लेसेंटा जो होता है उसके फंक्शन क्या होते हैं, ठीक है दोस्तों। एक और चीज़, थोड़ी सी आवाज़ आएगी आपको इधर उधर से क्योंकि अभी नवरात्रि वगैरह चल रहे हैं तो उसकी थोड़ी सी आवाज़ आएगी। तो सबसे पहले तो हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे सारे स्टूडेंट्स को, और थोड़ा सा मतलब 8-9 दिन के लिए जितने दिन भी मतलब ये पूरा प्रोसेस चलेगा थोड़ा सा आप इसको अवॉइड करने की कोशिश करें, थोड़ा सा मैं तेज़ी बोलूँगा ताकि आप चीज़ों को सुन पाएँ, ठीक है। देखिए तो प्लेसेंटा के फंक्शन क्या होते हैं दोस्तों, इट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो, ठीक है। देखो ये जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है प्लेसेंटा क्या करता है, उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है यानी कि पोषक तत्व प्रोवाइड करता है, उसी से वो जिंदा रहेगा, और उसको ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करता है, ठीक है, क्योंकि बच्चे की नाक तो बाहर है नहीं तो ऑक्सीजन किसके थ्रू लेता है, इसके थ्रू, प्लेसेंटा के थ्रू ही ऑक्सीजन लेता है, ये जो प्लेसेंटा है इसी से ऑक्सीजन इसको मिल पाता है बच्चे को, ठीक है। इट रिमूव्स CO2 एंड वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द एम्ब्रियो, ये वेस्ट को भी रिमूव करता है, देखो इसके थ्रू ग्लूकोज मिल रहा है बच्चे को, ठीक है, इसके थ्रू बच्चे को ऑक्सीजन मिल रहा है, ऑक्सीजन CO2 का आदान प्रदान हो रहा है, मतलब इसके थ्रू वेस्ट बाहर निकल रहा है, और चौथी और आखिरी चीज, इसके थ्रू एक एंटीबॉडी IgG इम्यूनोग्लोबुलिन जी एक टाइप का एंटीबॉडी होता है जो मदर बचपन में ही बच्चे को दे देती है IgG, तो ये एंटीबॉडी मदर से ही बच्चे को मिलता है, ठीक है। तो ये चार चीजें ही हैं जो प्लेसेंटा को क्रॉस करती है। आप एक बात याद रखना दोस्तों, ये प्लेसेंटा एम्बिलिकल कॉर्ड को ब्लड क्रॉस नहीं करता है, ब्लड कभी भी इसको क्रॉस नहीं करता, यानी कि माँ का ब्लड और बच्चे का ब्लड इस तरीके से मिक्स नहीं होगा, माँ बच्चे को ब्लड नहीं दे रही है एम्बिलिकल कॉर्ड या प्लेसेंटा के थ्रू उसको ब्लड नहीं मिल रहा है, ठीक है। आप खुद ही दिमाग लगाएं, खुद ही सोचें इस पे, अगर ऐसा होता, अगर माँ से बच्चे को ब्लड मिलता है एम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू, तो फिर हर माँ और हर बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होता, सेम होता इस दुनिया में, पर ऐसा नहीं है, ठीक है, क्लियर है बात। तो ब्लड जो है वो कहाँ से मिला, ब्लड जब हम फीटस रहते हैं तो हमें हड्डियाँ लेट बनती हैं, तो तब हमें ब्लड कहाँ बनता है, ब्लड कहाँ बनता है पता है ना आपको, ये जैसे आपका बोन मैरो है, हड्डी है ये, ठीक है, हड्डी के बीच में बोन मैरो रहता है, सॉफ्ट टिश्यू हॉलो पार्ट रहता है, वहां पे आपका ब्लड बनता है, ठीक है।
पूरी जिंदगी भर। लेकिन जब हम छोटे थे एक दो महीने के, तो वहां पे क्या हुआ, हमारी बोन्स थोड़ी लेट डेवलप होती है, मतलब 2-3 महीने में जाके हमारी हड्डियां डेवलप होती हैं, लेकिन ब्लड पहले ही चाहिए होता है, ठीक है। तो फिर जब बच्चा 1-1.5 महीने का था, उस दौरान ब्लड कहाँ बनता है, लीवर में, और उसके बाद ब्लड कहाँ बनता है, फिर बोन्स में, ठीक है, क्लियर है बात। ब्लड माँ से नहीं मिलता है, क्योंकि माँ से ब्लड मिलता तो गड़बड़ हो जाती, ठीक है, क्लियर है बात। तो माँ और बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या है, सेम हो भी सकता है, पर ऐसा हर बार हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि प्लेसेंटा एम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू माँ ने बच्चे को ब्लड नहीं दिया है, तो इससे बहुत रेयर चीजें क्रॉस होती हैं, जैसे ऑक्सीजन, CO2, ये सब जो बच्चे के लिए जिंदा रहने के लिए जरूरी है, ठीक है। देखिए इसके बाद क्या बता रहे हैं, इट एक्ट एज एन एंडोक्राइन टिश्यू। एंडोक्राइन मतलब कोई हार्मोन भी बनाता है, ये कौन सा हार्मोन, प्रोवाइड सेवरल हार्मोन्स लाइक, देखो HCG ह्यूमन क्रॉनिक गोनेडोट्रोफिन पहला हार्मोन है, दूसरा ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन LHPL, और तीसरा एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। चार इंपॉर्टेंट हार्मोन बनाता है कौन, प्लेसेंटा, ये जो पार्ट है ना प्लेसेंटा, ये चार इंपॉर्टेंट हार्मोन बनाता है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन तो आपको याद रहेगा, ये दोनों तो, इसके अलावा ये बना रहा है HCG ह्यूमन गोनेडोट्रोफिक सॉरी ह्यूमन क्रॉनिक गोनेडोट्रोफिन और ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ठीक है, HCG और HPL ये याद रखना आप, ठीक है, क्लियर है बात। तो HPG और HCG और HPL ये दो हार्मोन प्लस एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, इनके फुल फॉर्म ह्यूमन क्रॉनिक गोनेडोट्रोफिन और ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ठीक है। इसके बाद ये क्या करता है, दीज आर असेंशियल, दैट आर असेंशियल टू मेंटेन प्रेगनेंसी, ये चारों ही हार्मोन प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए क्या है दोस्तों, जरूरी है, और इसमें से प्रोजेस्टेरोन तो प्रेगनेंसी हार्मोन ही कहलाता है, ठीक है। तो इस तरीके से, तो ये मैंने इंपॉर्टेंट आपको फंक्शन बताया किसके, प्लेसेंटा के। अब कुछ और फैक्ट्स मैं आपको बताता हूँ उसके बारे में, देखिए कुछ ऐसे जनरल फैक्ट्स देखते हैं पूरा एम्ब्रियो के बारे में। एन एम्बिलिकल कॉर्ड कनेक्ट्स प्लेसेंटा विद द एम्ब्रियो दैट हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस टू एंड फ्रॉम द एम्ब्रियो। देखो ये एम्बिलिकल कॉर्ड जो ग्रीन पार्ट दिख रहा है, ये कनेक्ट करता है प्लेसेंटा को एम्ब्रियो से, ताकि चीजों का ट्रांसपोर्टेशन हो पाए, असेंशियल और नॉन असेंशियल दोनों, अभी जैसे कि मैंने बताया भी आपको, ठीक है। सेकेंड, द इनर सेल मास ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट क्या था, ब्लास्टोसिस्ट में इनर सेल मास था, ट्रोपोब्लास्ट की लेयर थी, ठीक है। तो इनर सेल मास की बात कर रहे हैं ब्लास्टोसिस्ट के, डेवलप्स इनटू 3 लेयर, आगे जाके 3 लेयर बनाता है ब्लास्टोसिस्ट, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। एक्टोडर्म आउटर लेयर कॉल्ड एक्टोडर्म, ठीक है, फिर मेसोडर्म मिडल लेयर कॉल्ड मेसोडर्म, इनर लेयर कॉल्ड एंडोडर्म, ठीक है। देखो ब्लास्टोसिस्ट होता है दोस्तों, वही आगे जाके 3 लेयर बनाता है, और इन 3 लेयर से हमारी पूरी बॉडी बनती है, कोई हार्ट किसी और लेयर से बना होगा, नोज किसी और लेयर से बना होगा, तो अलग अलग तरीके से डेवलप होता है। 3 लेयर बनता है इनर सेल मास, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म, ठीक है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, ये इस तरीके से। तो ब्लास्टोसिस्ट जो होता है, ब्लास्टोसिस्ट की आउटसाइड जो लेयर होती है वो होती है ट्रोपोब्लास्ट, और इनसाइड क्या होते हैं, इनर सेल मास होते हैं, ठीक है। तो इनर सेल मास कंटेन सेल्स कॉल्ड स्टेम सेल। अब जो इनर सेल होता है उसमें स्टेम सेल होते हैं दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक ऐसे खास सेल होते हैं जो किसी नए ऑर्गन को बना पाने की क्षमता रखते हैं। कमाल की बात यह है कि इससे पूरा ऑर्गेनिज्म भी आप बना सकते हैं, क्लोनिंग जो होती है, ह्यूमन क्लोनिंग भी पॉसिबल है, मेरे जैसे 5 टीचर और आप बना सकते हैं तो कितना अच्छा होता है, ये आपको 4-5 वीडियो डेली के बनाते और मैं आराम करता, ठीक है, ये तो बहुत अच्छा होता है। लेकिन क्या आपको पता है दोस्तों, क्लोनिंग को बैन किया गया है, ह्यूमन क्लोनिंग को बैन किया गया है। सबसे पहले इयान विल्मट और उनके साथियों ने मिलकर डॉली शिप नाम का एक क्लोन बनाया 1996 में, डेट्स थोड़ा मुझे याद नहीं है, 1996 के आसपास कहीं बनाया था इन्होंने डॉली शिप, ठीक है, भेड़ का क्लोन बनाया है। फिर इंसानों के क्लोन भी बन चुके हैं, लेकिन इसको बैन कर दिया गया है सोशल जो चीज़ें हैं उनको देखते हुए, क्योंकि अगर क्रिमिनल वगैरह किसी के हाथ में लग जाए तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ठीक है। लेकिन ये पॉसिबल है कि आप जैसा बिल्कुल एक और इंसान बनाया जा सकता है, ठीक है। स्टेम सेल से ये प्रोसेस होता है, स्टेम सेल दैट हैव द पोटेंसी टू गिव राइज टू ऑल द टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, ठीक है। इनसे आप पूरा ऑर्गन बना सकते हो, पूरा ऑर्गेनिज्म भी बना सकते हो। कई बार क्या होता है, इससे आगे जाके अब क्या होगा, ऐसा साइंटिस्ट वगैरह ऐसी चीजें कर रहे हैं कि हार्ट, लीवर, किडनी पहले ही एक इंसान के जो स्टेम सेल से बना के रख सकते हैं, ताकि कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो उसको इम्प्लांट किया जा सके, ठीक है। चलिए इसके बाद है, आफ्टर दैट 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, जब 1 महीने की प्रेगनेंसी हो जाती है तो हार्ट डेवलप हो जाता है बच्चे का, ये मैंने यहाँ पे बताया है, ठीक है।
सबसे पहले जो ऑर्गन डेवलप होता है दोस्तों वो होता है हार्ट, 1 महीने के अंदर। सबसे पहले जो ग्लैंड डेवलप होता है, सबसे पहले जो ग्रंथि या ग्लैंड डेवलप होता है वो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, ब्रेन में जो होता है। याद रखना, सबसे पहले डेवलप होने वाला ऑर्गन है हार्ट और सबसे पहले डेवलप होने वाला ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। अच्छा, बाय द एंड ऑफ द सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी द फीटस डेवलप लिम्स एंड डिजिट्स। लिम्स, कहीं भी बायोलॉजी में शब्द का इस्तेमाल हो, लिम्स मतलब होता है हाथ पांव, हाथ पांव, डिजिट्स फिंगर्स, ठीक है। डिजिट्स मतलब फिंगर्स, लिम्स मतलब हाथ पांव। तो सेकंड महीने के, दूसरे महीने के अंत तक बच्चे के जो हाथ पांव हैं और डिजिट्स हैं, फिंगर्स वगैरह, ये सब बन जाती हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, अपेयरेंस ऑफ हेयर ऑन हेड एंड फीटस मूवमेंट इज ऑब्जर्व ड्यूरिंग 5th मंथ। पांचवें महीने में आते आते फीटस जो है वो थोड़ा मूव करने लगता है, मतलब बच्चा जो है अंदर थोड़ा मूव करना स्टार्ट होता है और उसके हेयर्स वगैरह आ जाते हैं, आईलिड्स वगैरह आ जाती हैं, ये सब चीजें आ जाती हैं, ठीक है। नहीं, आईलिड्स नहीं आती, यहाँ हेयर ऑन हेड ही आता है, आईलिड्स आगे आएंगे, हेयर्स ऑन हेड एंड फीटस मूवमेंट करता है बस, ठीक है। आफ्टर 6 मंथ द बॉडी इज कवर्ड विद, अब 6 महीने के आसपास क्या होता है, द बॉडी इज कवर्ड विद फाइन हेयर्स। अब पूरी बॉडी में हल्के हल्के से बाल आ जाते हैं, हल्के हल्के से, और आईलिड्स पे बाल आ जाते हैं, इस तरीके से आईलिड्स बन जाती हैं, सेपरेट्स हो जाती हैं आईलिड्स, पहले सेपरेट नहीं रहती है। आईलैशेस, ये आईलैशेस जो होते हैं ये बन जाते हैं और ऑल्सो फॉर्म्ड, ये सब चीजें बन जाती हैं 6 महीने में आते आते, और 9वें महीने में लास्ट में, जैसे कि बताया, बाय द एंड ऑफ द 9 मंथ द फीटस इज कम्प्लीटली डेवलप्ड एंड द फीटस इज रेडी फॉर इट्स डिलीवरी, ठीक है। 9वें महीने में आते आते फीटस पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है और वो रेडी है डिलीवरी के लिए। 9 मंथ्स बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होता, 9 मंथ से हल्का फुल्का 10-12 दिन ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है, इतना नॉर्मल रहता है। लेकिन ऐसा नहीं कि 9 महीने की जगह 15 महीने में कोई बच्चा जन्म ले रहा है या कोई 7 महीने में बच्चा जन्म ले रहा है, तो फिर वो प्रीमेच्योर बेबी है, वो डेवलप्ड नहीं है पूरा, ठीक है। और ऐसे बच्चे अमूमन सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, या फिर उनको कोई डिजीज भी हो सकती है, जैसे कॉन्जेनेटल हार्ट डिजीज, इस टाइप की डिजीज हो जाती है, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है फर्स्ट डे टू 9 मंथ डेवलपमेंट का, इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरे फेज को कहा जाता है गेस्टेशन फेज या गेस्टेशन पीरियड, ठीक है। और ये हर स्पीशी में अलग अलग होता है, हम में ह्यूमंस में मतलब 9 मंथ्स का होता है, एलिफेंट में 22 मंथ्स का होता है, डॉग कैट डॉग वगैरह में 4-5 मंथ्स का होता है, तो ये थोड़ा वैरी करता है, ठीक है। ये स्पीशी टू स्पीशी क्या करता है दोस्तों, वैरी करता है। चलिए दोस्तों, तो पार्चुरेशन और लैक्टेशन के बारे में समझते हैं कि पार्चुरेशन क्या होता है। देखिए, द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी इज अबाउट 9 मंथ विच इज कॉल्ड एज द गेस्टेशन पीरियड, ठीक है। गेस्टेशन पीरियड होता है, ये स्पीशी टू स्पीशी वैरी करता है। जैसे अगर हम बात करें ह्यूमंस की, तो 9 मंथ है, डॉग वगैरह में 4-5 मंथ होता है, और एलिफेंट में 22 मंथ होता है, ये मैंने पहले भी आपको बताया था। तो मतलब कहना ही चाह रहा हूं कि स्पीशी टू स्पीशी ये चीजें क्या करती हैं, वैरी करती हैं, ठीक है, क्लियर ही बात। तो इस पीरियड को, इस ड्यूरेशन को, जो गेस्टेशन, ये जो पूरा प्रोसेस होता है एम्ब्रियो के डेवलपमेंट का, पूरा फीटस के ग्रोथ का और उसके डिलीवर होने के बाहर, ये स्टार्टिंग डे से एंड डे तक ये जो पीरियड होता है, इसको हम कहते हैं गेस्टेशन पीरियड, ठीक है। द एक्ट ऑफ एक्सपेलिंग द फुली फॉर्म्ड फीटस फ्रॉम द मदर्स यूट्रस एट द एंड ऑफ द गेस्टेशन पीरियड इज कॉल्ड पार्चुरेशन। देखो, अब क्या होगा दोस्तों, स्टार्टिंग डे मतलब जब जायगोट से पूरा का पूरा फीटस डेवलप हो गया, ये गेस्टेशन पीरियड है। अब गेस्टेशन पीरियड का जो लास्ट डे होगा, मतलब जब एक्सपेल होगा, जो एक्सपेल होगा, जो फीटस होगा, जो बच्चा अभी पेट में है, फीटस जो है वो जब एक्सपेल होगा मदर से, यूट्रस से बाहर, ठीक है, उसी को हम कहते हैं पार्चुरेशन। तो पार्चुरेशन क्या होता है, मतलब डेफिनेशन बिल्कुल यही लिखेंगे आप, ठीक है। देखो, पार्चुरेशन, सॉरी, ये है द एक्ट ऑफ द एक्सपेलिंग, द एक्ट ऑफ एक्सपेलिंग फुली फॉर्म फीटस, फुली फॉर्म पूरा मैच्योर फीटस जो है, फ्रॉम द मदर यूट्रस, मदर के यूट्रस से, एट द एंड ऑफ द गेस्टेशन पीरियड इज कॉल्ड पार्चुरेशन, ठीक है, ये डेफिनेशन आप याद रखिएगा। चलिए, इसके बाद, पार्चुरेशन सिग्नल ऑरिजिनेट फ्रॉम द फुली डेवलप फीटस एंड द प्लेसेंटा विच इंड्यूस माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन कॉल्ड फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। देखो क्या होता है दोस्तों, जब फीटस डेवलपमेंट होने वाला होता है, या सॉरी, जब जो बर्थ होने वाला होता है बच्चे का, तो लेबर पेन शुरू हो जाता है फीमेल्स को पहले ही, ठीक है। लेबर पेन यानी कि विग्रस कॉन्ट्रेक्शन फ्यूटरस, ये क्यों होता है, जब फीटस पूरा डेवलप हो जाता है तो वो और प्लेसेंटा सिग्नल भेजते हैं ब्रेन को, ठीक है, क्लियर है बात। और ब्रेन क्या करता है, यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन शुरू कर देता है, ठीक है। और यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन के फलस्वरूप वो इतना ज्यादा फोर्स लगता है कि पूरा सर्विक्स जो है वो हट जाता है और वो बच्चा जो है इस तरीके से एक्सपेल आउट यानी कि बाहर डिलीवर हो जाता है, जिसे को हम कहते हैं बर्थ ऑफ अ बेबी, ठीक है, या पार्चुरेशन जिसको कहा जाता है। तो देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, पार्चुरेशन सिग्नल ओरिजिनेट फ्रॉम द फुली डेवलप्ड फीटस एंड द प्लेसेंटा
विच इंड्यूस माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन, हल्का हल्का कॉन्ट्रेक्शन शुरू होता है फिर ये तेज हो जाता है, ठीक है, कॉल्ड फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। ये हुआ नॉर्मल डिलीवरी। अगर ऑपरेशन के थ्रू डिलीवरी किया जाए तो पेट को ऐसे काट के स्टिचेस लगा के भी डिलीवर किया जाता है। ये उस केस में क्या आता है, अगर मान लीजिए फीटस ज्यादा डेवलप हो गया है, ज्यादा बच्चे का साइज क्या हो गया, बड़ा हो गया है, ठीक है, या बच्चा थोड़ा सा हैवी हो गया है, तो उस केस में डॉक्टर जो है रिस्क नहीं लेते हैं। उस केस में डॉक्टर ऑपरेशन के थ्रू यानी कि स्टमक को इस तरीके से काट के और पूरा उसको बच्चे को बाहर निकाला जाता है और स्टिचेस लगाए जाते हैं, ठीक है। बाकी नॉर्मल डिलीवरी के केस में ऐसा नहीं होता। नॉर्मल डिलीवरी जो बर्थ कैनल है वहीं से बच्चे का जन्म होता है, ठीक है, और ये नॉर्मल डिलीवरी ज़्यादा सेफ होती है और ज़्यादा अच्छी होती है, ठीक है, कंपेयर टू जो स्टिचेस वगैरह से या फिर जो ऑपरेशन से डिलीवरी की जाती है। वो जब कोई ऑप्शन नहीं बचता तो फिर डॉक्टर वो करता है। बाकी पहले तो कोशिश की जाती है कि नॉर्मल डिलीवरी ही हो, ठीक है। देखिए अब इसके बाद है दिस हेल्प इन द, अच्छा ये जो कॉन्ट्रेक्शन पूरा एक्शन हो रहा है इसको फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं। पूछ सकता है आपसे फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए क्या होता है। जो कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन, किसके फलस्वरूप जो सिग्नल भेजे थे किसने, फीटस ने और जो प्लेसेंटा थे उसने ब्रेन के पास, ठीक है, तो ये पूरे प्रोसेस को, ये पूरे जो प्रोसेस हुआ उसको कहते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दिस हेल्प इन द सिक्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन। अब ये रिएक्शन जब हुआ तो ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, ठीक है, ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी। माँ के जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, मदर का जो पिट्यूटरी ग्लैंड होगा ब्रेन में, वहां से क्या रिलीज होगा, ऑक्सीटोसिन, ठीक है, फीमेल में रिलीज होता है और यही लेबर पेन करवाता है दोस्तों। ऑक्सीटोसिन लेबर पेन करवाता है, ठीक है, और रिलैक्सिन क्या करवाता है, रिलैक्सिन भी एक हार्मोन होता है फीमेल में, रिलैक्सिन क्या करवाता है, एक्सपल्जन ऑफ बेबी, यानी कि ऑक्सीटोसिन तो कॉन्ट्रेक्शन शुरू करता है यूट्रस में और रिलैक्सिन क्या करवाता है, रिलैक्सिंग, यस है, रिलैक्सिन क्या करता है, एक्सपल्जन ऑफ बेबी, ठीक है। चलिए इसके बाद ये क्या बता रहे हैं, ऑक्सीटोसिन इंड्यूसेस स्ट्रॉन्ग यूट्राइन मस्कुलर कॉन्ट्रेक्शन, अभी बताया मैंने मस्कुलर कॉन्ट्रेक्शन शुरू करता है, लीड्स टू द एक्सपल्जन ऑफ द बेबी फ्रॉम द यूट्राइन थ्रू द बर्थ कैनल। एक्सपल्जन ऑफ बेबी एनसीईआरटी में चीज मेंशन नहीं है, लेकिन आप याद रखना एक्सपल्जन ऑफ बेबी ये प्रोसेस जो है ना ये कौन करवाता है, रिलैक्सिन करवाता है, ठीक है, रिलैक्सिन ही एक्सपल्जन ऑफ बेबी में रोल प्ले करता है। तो ये आप पूरा समझ पाएंगे, पार्चुरेशन में इतना समझे, ठीक है, बहुत है। इसके बाद लैक्टेशन, लैक्टेशन की बात करते हैं। जब बेबी का बर्थ हो जाता है तो मदर में मिल्क प्रोड्यूस होना शुरू होता है। मिल्क प्रोड्यूस फीमेल में कभी भी स्टार्ट नहीं हो जाता, मिल्क प्रोड्यूस जस्ट कब होता है, जब जब बच्चे का जन्म हो चुका होता है उसके बाद फीमेल में मिल्क प्रोडक्शन की क्या हो जाती है, शुरुआत हो जाती है। तो वो क्यों होता है, एग्जैक्ट उसी मोमेंट पे क्यों होता है और उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, उस प्रोसेस को कहा जाता है लैक्टेशन, ठीक है। देखिए मेमरी ग्लैंड्स यानी कि ब्रेस्ट ऑफ द फीमेल अंडरगो डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन होता है सेल का उसके अंदर, एंड स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग मिल्क एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी, ठीक है। देखो मेमरी ग्लैंड जो होते हैं फीमेल्स में, उनमें डिफरेंशिएशन स्टार्ट होता है सेल्स का और एट द एंड ऑफ द प्यूबर्टी, ठीक है, प्यूबर्टी के एट द एंड ऑफ द मतलब क्या, एट द एंड ऑफ द प्यूबर्टी नहीं, प्रेगनेंसी, यानी कि प्रेगनेंसी जब खत्म हो जाती है तो फिर क्या होता है, डिलीवर होने के बाद बच्चे के मिल्क प्रोडक्शन शुरू होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ सेल्स, मतलब वो सेल्स इस तरीके से डेवलप कर देते हैं कि जो एल्वुलाई वगैरह जो होते हैं, पूरा ब्रेस्ट का हमने या मेमरी ग्लैंड्स का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ा था, तो एल्वुलर जो होते हैं उसमें वो मिल्क प्रोडक्शन क्या करते हैं, निपल्स के थ्रू स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, क्लियर ये बात, हाँ, दिस इज कॉल्ड लैक्टेशन, यही लैक्टेशन कहलाता है। तो ये जो लैक्टेशन का प्रोसेस होता है दोस्तों, ये हेल्प करता है फीमेल को या मदर को फीड करने के लिए बच्चे को, ठीक है, लैक्टेशन हेल्प्स द मदर इन फीडिंग द न्यूबॉर्न, न्यूबॉर्न जो बच्चा होता है उसको फीडिंग के लिए ये बहुत जरूरी है, ठीक है। द मिल्क दैट कम आउट ऑफ द मेमरी ग्लैंड ड्यूरिंग इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन इज कॉल्ड कोलोस्ट्रम, ये इंपॉर्टेंट है। देखो कोलोस्ट्रम कई बार पूछते हैं कि कोलोस्ट्रम क्या होता है, तो कोलोस्ट्रम वो पहला मिल्क होता है जो फीमेल प्रोड्यूस करती है, ठीक है, इन द इनिशियल डेज ऑफ डिलीवरी, ठीक है, मतलब डिलीवर होने के बाद बच्चे के इनिशियल डेज में जो मेमरी ग्लैंड से ब्रेस्ट से जो मिल्क रिलीज होता है उसको हम कहते हैं कोलेस्ट्रॉल। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, इसमें कई इंपॉर्टेंट चीजें पाई जाती हैं जो बच्चे के ग्रोथ के लिए जरूरी है, ठीक है। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे अभी याद आ रही है, एक एंटीबॉडी इसमें पाई जाती है IgA, ठीक है, इम्यूनो, इसको लिख भी देता हूं मैं, इम्यूनो ग्लोबुलिन ए, ठीक है,
इम्यूनोग्लोबुलिन ए, ये एक एंटीबॉडी का टाइप है, पांच एंटीबॉडी होती है हमें, इम्यूनोग्लोबुलिन जी ए एम ई और डी, ठीक है। तो इसमें से एक ऐसा इम्यूनोग्लोबुलिन है, एक ऐसी एंटीबॉडी है जो हिफाजत के लिए मदर हमें बचपन में दे देती है, और ये मदर के मिल्क के थ्रू हमें मिलता है, ठीक है, आईजीए, और इससे हम पूरी जिंदगी भर बच्चा जो है उसकी ग्रोथ अच्छे से हो पाती है, उसको सारी इंपॉर्टेंट चीजें मिल पाती है मदर के मिल्क के थ्रू, ठीक है। इसीलिए ये जरूरी है कि मदर का मिल्क मिले बच्चे को, ठीक है। दस ब्रेस्ट फीडिंग इज रिकमेंडेड बाय द डॉक्टर फॉर अपब्रिंगिंग अप अ हेल्दी बेबी, ठीक है। देखो इसीलिए ब्रेस्ट फीडिंग के लिए डॉक्टर कहता है। अब कई बार क्या होता है, जैसे मदर की डेथ वगैरह हो जाती है, तो इस केस में डॉक्टर क्या करता है, किसी और फीमेल से या किसी और लेडी से मिल्क फीडिंग के लिए डॉक्टर बच्चे को डॉक्टर कहता है, मदर को कहता है कि आप अपने बच्चे को इस तरीके से मिल्क फीडिंग करवाइए, ठीक है। अब मदर की डेथ हो गई तो उसके पेरेंट्स वगैरह किसी को बोला है, किसी और फीमेल से इसको मिल्क फीडिंग करवाइए, क्योंकि ये मिल्क बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आप उसको अमूल का दूध या डब्बे का दूध पिलाने लग जाए, ये तो बहुत गलत हो जाएगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि उस मिल्क में वो साधारण मिल्क नहीं, येलोइश मिल्क होता है, इसको कोलेस्ट्रॉम कहते हैं, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या होती हैं, पाई जाती हैं, ठीक है, क्लियर ही बात। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है, आपके टॉपिक्स कंप्लीट हो गए यहाँ पर, और चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो था 12th बायोलॉजी में, चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो है उसमें मैंने 15 वीडियो बनाए, ये 15th और लास्ट वीडियो था, तो यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट होता है। जिसको ये समझ में नहीं आया वो इसको दोबारा देखें, सारे वीडियोस देखें आप 1-15 तक, ये चैप्टर पूरा आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में स्टार्ट करूंगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है उसके बारे में चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है। और कई स्टूडेंट कहते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताओ, बिल्कुल बताऊंगा, लेकिन चैप्टर के बाद नहीं, पूरे यूनिट के बाद बताऊंगा, ठीक है। मतलब ये आपका यूनिट कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद मैं इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपको बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे जेनेटिक्स, ठीक है। तो इस तरीके से चलेगा कि हर यूनिट के बाद मैं उसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिया करूंगा, ठीक है। तो चलिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।